गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ आर पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पोइट जो है वो पेगनिज्म फॉलो करने की बात करता है। पेगनिज्म ईजिली कहें तो नेचर वर्शिपर्स, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं पेगन्स। और वर्ड्समथ इसकी भगवान से कामना करता है कि भाई मैं पेगनिज्म को फॉलो करूँगा। तो बाद में कवि कहता है, आई वुड रैदर बी अ पेगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वर्न, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलोन, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेदर्ड हॉर्न। अब ये यहाँ पे बताएगा, ही विल बी एक्सप्लेनिंग इन दीज लाइन्स दैट वाई ही वॉन्ट्स टू बी अ पेगन। पहले तो इसने क्रिटिसाइज़ किया, जो पोएम का पहला हिस्सा है उसके अंदर पोइट क्रिटिसाइजेस द प्रेजेंट सिनेरियो, टोटल जो आज का उस ज़माने का सिनेरियो था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का, मॉडर्निज्म का, सिटी लाइफ, सब चीज़ को क्या करता है, वो क्रिटिसाइज़ करता है। बीच में वो क्या कहता है कि भाई मैं तो अब क्या करूँगा, पेगनिज़म बनना, पेगनिज़म को फॉलो करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, एक पेगन बनना चाहूँगा बाकायदा इसके कि मैं ये रिलीजियन मानूं और नेचर से दूर होता जाऊं। ठीक है, मेरा मेन मकसद क्या है कि मुझे नेचर के करीब रहना है, तो बेशक चाहे मुझे पेगनिज्म फॉलो करना पड़े, आई विल बी फॉलोइंग दैट। नाउ ही विल एक्सप्लेन व्हाई ही वांट्स टू फॉलो पेगनिज्म। ठीक है, ये कहता है सो माइट आई, ताकि कि भाई मैं पेगनिज्म फॉलो कर लूँगा, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, ली मतलब मीडोज, मीडोज इज ग्रास लैंड, चारागाह जो बोलते हैं, कि स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, अब ये एक सीन क्रिएट कर रहा है, यू कैन इमेजिन दैट ही इज थिंकिंग, जो है वो ग्रास लैंड पूरा का पूरा चारागाह है, वहाँ पर वो बैठा है और सोच रहा है, कवि जो है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि वो सोच रहा है, और उसके सामने पूरा का पूरा विशाल समुद्र है। ठीक है, तो ये कह रहा है स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, मतलब ग्रास लैंड्स, हैव ग्लिम्सेज दैट वुड मेक मी लेस फोरलोन। अब फोरलोन का मतलब क्या होता है, लोनली। मैं यहाँ पर खड़े होकर के, ये चारागाह जो है यहाँ पर खड़े होकर के मैं पेगनिज्म को फॉलो करना चाहूँगा, पेगन बनना चाहूँगा, क्योंकि शायद तब जब मैं इस चारागाह पर खड़ा हूँ और इस विशाल समुद्र को देखूँ तो मुझे कम अकेलापन महसूस हो, मुझे खुशी मिले, है ना, मुझे दुख ना हो। क्योंकि अभी मैं जब देखता हूँ तो मुझे क्या होता है, दुख महसूस होता है कि भाई मैं कितना अकेला हूँ, कितना ज़्यादा अकेलापन है, क्योंकि हम कुछ और सोच ही नहीं पा रहे, हम प्रकृति से इतना ज़्यादा दूर हो चुके हैं कि मतलब कोई और हमारे पास, जब कोई साधन ना हो, कोई और दो चार व्यक्ति ना हो, या कोई और ये भौतिक सुख सुविधा के साधन ना हो, तो हमको बहुत अकेलापन महसूस होता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो ये प्रकृति है, ये खुद ही हमारी सबसे बड़ी क्या है, साथी है। ठीक है, लेकिन इस रिलीजियन को जो अभी की कंडीशन है उसमें मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, लेकिन अगर मैं एक पेगन बन जाऊँगा तब शायद मुझे क्या होगी, बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे तब अकेलापन महसूस नहीं होगा और मैं वो चीज़ें देख सकूँगा जो मैंने अब तक नहीं महसूस किया है। अब क्या चीज़ें देख सकेगा, जो प्रकृति का हिस्सा है वो, उसमें जो कि पेगन्स जो है वो फॉलो करते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि वो हर चीज़ में क्या है, भगवान होता है, हर चीज़ में भगवान को मानते हैं, और एक माइथोलॉजी क्रिएट की गई है, मतलब एक कहीं ना कहीं एक कहानी क्रिएट की गई है। जैसे सूर्य है, तो सूर्य के अंदर वो देवता को मानते हैं, बाकायदा उनका नाम भी है, बाकायदा उनकी कहानियाँ भी हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया, इस तरह के युद्ध में ऐसे पार्टिसिपेट किया, तब ऐसे दुनिया को बचाया, ये सारी चीज़ें। तो जब आप सूर्य को देखेंगे अकेले बैठे हैं, तो अगर आप प्रकृति से इस लेवल तक जुड़ाव रख पाते हैं, है ना, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप बना पाते हैं, देन यू विल नॉट फील लोनली कि भाई मैं अकेला हूँ, आपको लगेगा कि हाँ वो मेरे साथ है। तो ये चीज़ कवि क्या है यहाँ पे कहना चाह रहा है। नाउ ही सेज, अब किस चीज़ को वो देखेगा, रेफर्स टू पेगन गॉड्स। अब ये क्या करता है, दो पेगन गॉड्स का एग्जाम्पल देता है कि भाई मैं शायद इनको देख पाऊँगा, क्योंकि ये समुद्र को, वहाँ पे समुद्र है, ये उसको देख रहा है, तो ये कहता है कि शायद तब मैं समुद्र को देख पाऊँगा, और हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी,
मैं शायद तब क्या करूँगा, प्रोटियस को देख पाऊँगा जो कि समुद्र से निकलेगा शायद। अब प्रोटियस कौन है? ग्रीक माइथोलॉजी का यहाँ पे रेफरेंस है, प्रोटियस इज सी गॉड। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर समुद्री देवता है, प्रोटियस कौन है? समुद्र का देवता है। अब इसके पास क्या थी शक्ति? कि ये भविष्य बता सकता था, ही कैन फोरसी फ्यूचर एंड ही कैन प्रोफेसी फ्यूचर। भाई भविष्य के बारे में भविष्यवाणी पहले ही कर देता था कि हाँ ये चीज़ें होने वाली है, ये ऐसे ऐसे होगा। लेकिन अगर कोई उसको ज़बरदस्ती पकड़ ले, है ना, उस पर आधिपत्य स्थापित करना चाहे और ज़बरदस्ती उससे बुलवाना चाहे कि हाँ आगे क्या होने वाला है भी मुझे बताओ, तो उसके पास एक और काबिलियत थी कि वो शेप अपना बदल लेता था, है ना। ही वॉज एबल टू चेंज हिज शेप एंड मूव अवे। वो वहाँ से अपना जो है शेप बदल करके और निकल जाया करता था। ये इसकी क्या थी? खासियत थी। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि शायद मैं क्या करूँ, प्रोटियस को देख सकूँ, प्रोटियस समुद्र देवता जो है उसको देख सकूँगा। फिर बोलता है और या फिर और हियर ओल्ड ट्राइटन बिलो हिज रेदर्ड हॉर्न। ट्राइटन वापस से माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी का हिस्सा है, देवता है। ब्लो हिज रेदर्ड हॉर्न, रेदर्ड मतलब हैविंग कॉयल्स, कॉयल्स ऐसे घुमावदार हिस्सा, ठीक है, कि वो उसको हॉर्न, कॉन्च शेल, शंख जिसको बोलते हैं, उसके पास शंख होता था और मैं उसको सुन सकूँगा। जब मैं पेगन बन जाऊँगा तो शायद मैं यहाँ बैठे हुए, ये मतलब विशाल सा जो समुद्र है ये मुझे खाली खाली नहीं नज़र आएगा, मुझे अकेलापन नहीं लगेगा। जब मैं पेगन बन जाऊँगा मैं नेचर से इतना ज़्यादा जुड़ जाऊँगा कि मुझे एक तो प्रोटियस क्या पता दिख जाए, है ना, और या फिर मुझे ट्राइटन अपना हॉर्न, अपना शेल जो है, अपना जो शंख है वो बजाते हुए मुझे दिख जाए। अब प्रोटियस यू वुड हैव अंडरस्टूड कि कौन है, समुद्र देवता है। अब ट्राइटन, हु वॉज ट्राइटन? ट्राइटन वॉज ग्रीक गॉड थे एक, पोसाइडन, उसका बेटा था ट्राइटन। उसकी खासियत क्या थी कि उसके उसका जो निचला हिस्सा था मर्मेड लाइक स्ट्रक्चर था उसका, एक तो मर्मेड जलपरी जो होती है उनका निचला हिस्सा उस तरह ऐसा था, आधा आदमी और आधा मर्मेड का हिस्सा था और वो बिल्कुल घुमावदार ऐसे था। एंड उसके पास एक और खासियत थी कि उनके पास शंख था, एक बहुत ही बड़ा शंख वो रखते थे। इन ऑर्डर टू, अब ये शंख क्यों रखते थे, वो ये भी समुद्र देवता ही है, और ये शंख रखते थे ताकि समुद्र को या तो एक्साइट कर सके, मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उफान मार सके समुद्र, वो जैसे ये हॉर्न वैसे बजाएंगे, अपना शंख वैसे बजाएंगे तो समुद्र क्या करेगा, या तो उफान मारने लगेगा, और नहीं तो बहुत बड़ा जो समुद्र की विशाल लहरें आ रही है या कोई तूफान आने वाला है उसको वो शांत कर देते थे, है ना, उनका शंख सुन करके समुद्र जो है या तो शांत हो जाता था। तो ये दोनों चीज़ें हैं, जब वो अपना शेल शंख बजाते थे तब ये चीज़ें होती थी, ठीक है, एज यू कैन वेरी वेल सी इन द इमेज। तो यहाँ पे पोइट जो है इन दो सी गॉड्स को रेफर करता है और बोलता है कि भाई वो इसलिए पेगन बनना चाहता है। अब बेसिकली वो क्यों बनना चाहता है, उसका मतलब है पोइट का कि जो अभी समय चल रहा है उसमें जो रिलीजन फॉलो किया जा रहा है दैट इज़ ऑफ नो यूज़, बिकॉज उसको फॉलो करके तो हम क्या हो रहे हैं, प्रकृति से बहुत दूर हो रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि मैं पेगन बन जाऊँ, पेगनिज्म को फॉलो करूँ, नेचर वर्शिपर बन जाऊँ, है ना, और नेचर के पास रहूँ, ताकि मैं ये जो इतनी इतना विशाल जो प्रकृति है, इतनी विशाल प्रकृति है उसको मैं महसूस कर सकूँ, मैं उसका एक हिस्सा बन सकूँ, ठीक है, इसलिए मैं पेगन बनना चाहता हूँ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री, बिकॉज वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर ही सबसे बड़ी है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट नेचर पोइट टिल डेट, आज तक उनसे बड़ा प्रकृति प्रेमी कोई हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्पिरिचुअलिज्म का कनेक्शन वो नेचर में देते हैं ये कहीं और नहीं मिलता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर वर्शिपिंग ऑन द पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। टिल देन थैंक यू।